हाय माय लवलीज, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप यू ऑल आर गुड एंड डूइंग वेल। सो गाइज, आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ विस्पर प्रियर पैंटी का रिव्यू। सो काफी टाइम से मेरा मन था कि यार ये प्रियर पैंटी क्या है, मतलब कैसे यूज करना है, लिटरली ये बहुत हैवी फ्लो में यूज आएगी या नहीं आएगी। मतलब बहुत सारे वीडियोज देखे थे मैंने यार, तो मुझे लगा कि एक बार ट्राई आउट जरूर से करना चाहिए। एंड यस, डेफिनेटली मैंने यूज किया है इसको मेरे अभी लास्ट पीरियड में, उसके बाद मैं आज बैठी हूँ अपना रिव्यू शेयर करने के लिए। सो ऐसा नहीं है कि प्रोडक्ट मेरे पास आज ही आया, उठा के ऐसे ही अपना रिव्यू कर दूं। यूज करने के बाद मेरा एक्सपीरियंस कैसा था, हैवी फ्लो में यूजफुल था या नहीं था, या जो भी मेरा ऑनेस्ट एक्सपीरियंस है वो गाइज आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। सो किसी भी तरह का स्पॉन्सर नहीं है, ऑनेस्ट एक्सपीरियंस अपना शेयर करूंगी। सो या अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहे, तो लाइक जरूर से कीजिएगा। एंड चैनल पे नए हो तो प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल, इट मींस अ लॉट टू मी गाइस। सो या विदाउट फर्दर डू, लेट्स गेट स्टार्टेड आउट। इसकी पैकेजिंग की बात कर लेते हैं। सो ये मुझे मिला है कुछ इस तरह के, जैसे नॉर्मली हमारे पैड्स आते हैं ना, वैसी कुछ इसकी पैकेजिंग है, प्लास्टिक वाली, इस तरह की पॉलीथीन में मिला है। दिस इज विस्पर प्रियर पैंटी, जो कि आपको 360 डिग्री लीकेज प्रोटेक्शन देता है आपकी हैवी फ्लो नाइट्स में। मतलब आप दिन में भी यूज कर सकते हो, बट नाइट के लिए तो काफी अच्छा रहेगा, ऐसा इसका ही क्लेम है। सो इसके अंदर आपको साइजेस मिल जाएगी। तो मैंने जो साइज पिक किया है दैट इज मीडियम टू लार्ज। तो जो भी आपका पैंटी साइज है, मतलब जो आप पैंटी लेते हो, अगर आप मीडियम साइज पैंटी पहनते हो तो आपको मीडियम टू लार्ज वाले में जाना चाहिए। अगर आप लार्ज साइज की पैंटी पहनते हो तो भी आपको ये मीडियम टू लार्ज वाला आ जाएगा, क्योंकि ये स्ट्रेचेबल है, मतलब अच्छे से स्ट्रेच होके बॉडी को अच्छे से हग कर लेता है। सो यस, अगर आपका एक्सेल साइज है या डबल एक्सेल है तो फिर आपको ये एक्सेल टू डबल एक्सेल वाले साइज में जाना चाहिए। सो एग्जैक्टली जो भी आपका साइज है पैंटी में, उसी साइज में आपको जाना चाहिए। सो यहाँ पे आप देख रहे हो वेस्ट साइज भी मेंशन है, तो वेस्ट साइज के अकॉर्डिंग भी आप जा सकते हो। सो दिस इज डिस्पोजेबल पैंटीज, मतलब आपको एक बार यूज करना है, उसके बाद फाड़ के फेंक देना है, डिस्पोज कर देना है। तो नॉर्मल जैसे बच्चों के डायपर्स आते हैं ना, सेम वैसा ही इसका लुक एंड फील भी वैसा ही है, और यूज भी आपको वैसे ही करना है। सो प्राइस है इसकी 399 रुपीज, बट मैंने अमेजोन से इसको बाय किया था, तो आई थिंक ये मुझे 320 रुपीज समथिंग में मिले हैं। 6 पैंटीज आपको यहाँ पे मिलेगी। सो ऑलरेडी मैंने दो अपने लास्ट पीरियड में यूज कर लिया है, सो मेरे पास रिमेनिंग अभी 4 बची है। दिस इज द डिस्पोजेबल पैक, मतलब ये इसी तरह से रैप होके आई है। सो जब आप इसको ओपन करोगे यहाँ से, तो यह आपको मिलता है इस तरह का डायपर टाइप का पैंटी। सो बेसिकली मैंने जब इसको फर्स्ट टाइम देखा था ना, तो मुझे अपने बेबी का टाइम जब मैंने डायपर पहनाती थी, वही फील हुआ कि सेम ही है ये तो यार, डायपर जैसा ही है। सो यस, आप देख सकते हो, मतलब हाई वेस्ट है, मतलब ऊपर तक बहुत अच्छे से ये कवरेज देता है, और बॉडी को भी ना बहुत अच्छे से हक करके रखता है। सी द स्ट्रेच गाइस, कितने अच्छे से ये स्ट्रेच हो रहा है। सो यहाँ पे मेंशन भी है दिस इज फ्रंट साइड एंड दिस इज बैक साइड। तो नॉर्मली आपको जैसे हम पैंटी पहनते हैं वैसे ही इसको पहनना है। बात करें इसके इनर पार्ट की, सो यू कैन सी, मतलब पूरा यहाँ पे आप देखो जो भी फील है ना, पूरा कॉटन का आ रहा है, मतलब बिल्कुल भी ऐसा फील नहीं है कि प्लास्टिक टाइप में है या आप पूरे दिन इजिली इसको टॉयलेट नहीं कर पाओगे। एंड साइड में ये कवरेज आप देखो, अच्छे से इलास्टिक दिया हुआ है यहाँ पे दोनों साइड में, साइड पार्ट में भी है, इनफैक्ट अपर पार्ट में भी यहाँ पे अच्छी सी कवरेज दी हुई है। सो बॉडी को बहुत अच्छे से हक करके रखता है, और बिल्कुल भी ऐसा टेंशन वाली बात नहीं है कि यार कैसे होगा क्या होगा, बिल्कुल भी फील भी नहीं होता है कि आपने कुछ पहना है। इनिशियली जब आप पहनते हो तो थोड़ा सा अटपटा लगेगा ही फॉर श्योर, क्योंकि जो हम नॉर्मल पैंटीज पहनते हैं उसके कंपैरिजन में तो थोड़ा सा डिफरेंट है, थोड़ा सा ये ऐसे लगता है कि यार कुछ पहना है हमने, बट 5 से 7-10 मिनट के बाद आप नॉर्मल हो जाते हो, यूज टू हो जाते हो। सो यस, दिस इज द ओवरऑल पैकेजिंग। बाकी इसका जो फैब्रिक है ना, ये मुझे काफी सॉफ्ट लगा, बिल्कुल भी ऐसे इरिटेटिंग वाला नहीं है, या जब भी वेट होगा ये, जब भी आपका पीरियड में आप पहनोगे और वेट होगा तो आपको अनकंफर्टेबल लगेगा या क्या पहन लिया मैंने वैसा फील होगा, नहीं, ये बिल्कुल भी वैसा फील नहीं देता है। एकदम कॉटन का यहाँ पे मटेरियल है, जो लुक एंड फील है ना काफी ज्यादा सॉफ्ट देता है। इनफैक्ट आपके हैवी फ्लो जब रहते हैं पीरियड्स के, तब भी आप इसको वेयर कर सकते हो। इनफैक्ट मैंने पहना था जब मेरा सेकंड डे था, और सेकंड डे में मुझे बहुत ज्यादा फ्लो रहता है, तो उस टाइम भी मुझे एज सच ये वाली प्रॉब्लम नहीं हुई थी कि यार इरिटेट हो रही हूं मैं, या 3 से 4 घंटे में ही परेशान हो गई हूँ, वैसा बिल्कुल नहीं हुआ था। इजिली आप इसको, जब आपको बहुत हैवी फ्लो है तब आप इसको 7 से 8 घंटे इजिली पहन सकते हो, क्योंकि इसका जो स्प्रेडेबल क्वालिटी है ना वो काफी अच्छी है। आपको बिल्कुल भी ऐसा फील नहीं होगा कि एक ही जगह बहुत ज्यादा वेट हो गया है, अच्छे से ये स्प्रेड कर देता है, जिससे कि ना आपको वेटनेस बहुत कम लगती है, इनफैक्ट आप इरिटेट कम होते हो, क्योंकि पैड्स में नॉर्मली क्या होता है कि स्प्रेडेबल क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं होती है पैड्स की, तो बेसिकली ना हम इरिटेट बहुत जल्दी होती है, और मन करता है कि यार 2 से 3 घंटे में चेंज कर लो हैवी फ्लो में, बट इसके साथ ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। इनफैक्ट अगर आप नाइट टाइम में इसको पहन के सोओगे आपके हैवी फ्लो में, तो भी आप पूरी रात इजिली पहन के सो सकते हो, बिल्कुल भी लीकेज नहीं होगा। कि मैंने 2 पैड यूज किए हैं अभी तक, और एक मैंने मॉर्निंग में यूज किया था और एक नाइट टाइम में यूज किया था, तो मॉर्निंग वाला तो मुझे ऐसा लगा था कि 7 से 8 घंटे में मैंने चेंज कर दिया, जस्ट बिकॉज कि यार हम एक्टिविटी करते हैं, बैठते हैं उठते हैं ये सब, तो थोड़ा सा ना वो हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है, मतलब तो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल लगता है। बाकी
ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ था कि लीक हो गया था या पूरा ओवरफ्लो हो गया है कि मुझे चेंज करना है, नहीं, मुझे मतलब थोड़ा सा ना वो उठने बैठने में ही थोड़ा सा कॉटन है अंदर तो थोड़ा सा वो इकट्ठा हो जाता है, तो वो कंफर्टेबल नहीं लगा था। बाकी नाइट टाइम में जब मैंने यूज किया था पूरी रात इजिली मैं इसको पहन के सोई थी, बिल्कुल भी लीकेज विकेज नहीं हुआ। और अलग से आपको इसको पहनने के बाद कोई भी पैंटी वैंटी पहनने की जरूरत नहीं है, नॉर्मल आप पैंटी की जगह इसको पहनी है, बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है लीकेज विकेज की। दो ये मुझे लगा कि थोड़ा सा कॉस्टली है, मतलब अगर हम पैड लेते हैं तो एक पैड की प्राइस हमारी होती है, अगर विस्पर के ही पैड अगर हम देखें तो आई थिंक 20 या 25 रुपीज का एक पैड होता है, बट इसकी प्राइस थोड़ा सा आपको 50 से 60 रुपीज पर पैंटी का लगेगा, बट उतना ही आप इसको यूज कर सकते हो। मतलब दो पैड की जगह जब आप दो पैड चेंज कर रहे हो ना तो आपको एक पैंटी में आपका काम हो जाएगा और काफी कंफर्टेबल रहता है, मतलब लीकेज की प्रॉब्लम नहीं है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। इनफैक्ट ना बिल्कुल आपको ये एजेस होती है ना इसकी इसकी यहाँ एजेस वाली, यहाँ तक भी आपका फ्लो नहीं आता है, मतलब इतना मस्त प्रोडक्ट बनाया है विस्पर ने। सो थोड़ा सा प्राइसी है, बट अगर आपको हैवी फ्लो रहता है, रात को नींद नहीं आती है, रात को ही उठ के आपको दो पैड तीन पैड चेंज करने होते हैं, सो तब आप इसको जरूर से यूज कर सकते हो हमारी मतलब कंफर्ट के लिए। यार थोड़ा सा अगर पे करना भी पड़े तो ऐसी टेंशन नहीं लेनी चाहिए। सो मुझे ऐसा लगा कि हैवी फ्लो के लिए काफी अच्छा प्रोडक्ट है, जिन लड़कियों को टेंशन होती है, जो ऑफिस जा रही है, कॉलेज जा रही है, इनफैक्ट जो स्कूल गोइंग गर्ल्स है जिनको पीरियड्स आना स्टार्ट हुए हैं, उनको थोड़ा सा ज्यादा मतलब कॉन्शियस रहते हैं, वो ज्यादा परेशान रहते हैं, तो उनके लिए फॉर श्योर आप ट्राई कर सकते हो। अगर आप मम्मा हो देख रही हो या आप खुद टीनेजर हो, आपको लेना है कुछ ऐसा, तो मीडियम टू लार्ज साइज भी अवेलेबल है। आई थिंक इसमें स्मॉल साइज अवेलेबल नहीं है, मीडियम टू लार्ज से ही ये स्टार्ट होता है। सो एक बार चेकआउट कर लीजिएगा, लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। बट दिस इज लिटरली अमेजिंग प्रोडक्ट, काफी टाइम से मैं सोच रही थी और अब लग रहा है कि यार मैंने इतना लेट क्यों ट्राई किया, बट बहुत अच्छा प्रोडक्ट है गाइस। सो या थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं अगेन एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।